बॉलिवूड मध्ये सध्या थ्रिलर आणि हॉरर सिनेमाचा काळ सुरू झालाय आणि अशा जाटणीचा होमस्टे हा सिनेमा लवकरच रिलीज होतोय. दिग्दर्शक संतोष कोडनकरीने हा सिनेमा कन्नड, हिंदी आणि तमिळ भाषांमध्ये बनवलाय. सिनेमात मुख्य भूमिकेत आहे सायली भगत आणि अश्मित पटेल. त्यांच्याशी बातचीत केली आहे आमचा प्रतिनिधी हरी दुबे यांनी. जल्दी अस्मित और सियाली आप सभी से कहेंगे होम स्टे ये क्या है, आप इन्हीं से जानते हैं. बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले ये बताइए होम स्टे क्या है एक्चुअली. होम स्टे कॉन्सेप्ट साउथ में एक्चुअली होता है. इट्स सिमिलर टू अ पेइंग गेस्ट जो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में होता है. इट्स नॉट अ होटल, इट्स नॉट अ मोटेल, इट्स नॉट एन इन. कुछ अलग ही है. जैसे वहाँ साउथ में लोग अपने घरों को रेंट पे देते हैं फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, उसे होम स्टे कहते हैं. आप कुछ कहना चाहेंगी होम स्टे लोगों को डरा रहा है एक्चुअली, हमने जहाँ तक प्रोमो देखा, इस होम स्टे के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे. जी हाँ, ये एक कह सकते हैं पैरानॉर्मल हॉरर थ्रिलर टाइप का सब्जेक्ट है. तो इस फिल्म में ऑब्वियसली हम डरा तो रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा सस्पेंस है. तो शायद हर ऑडियंस अपने आप को इसमें डिटेक्टिव समझेगा और कुछ ना कुछ इसमें से निकालने की कोशिश करेगा. थोड़ा सा किरदार भी जानना चाहेंगे, हमने पुलिस इंस्पेक्टर रोल में देखा, क्या कुछ ताना बाना है कहानी का, थोड़ा बताना चाहेंगे. एक डबल डायमेंशनल कैरेक्टर है. एक डायमेंशन तो आपने देखा एक पुलिस ऑफिसर का है. दूसरा जो डायमेंशन है मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, रिवील नहीं कर सकता, सस्पेंस चली जाएगी. बहुत सारी ऐसे हॉरर मूवी आई है वो और होम स्टे उनसे कितनी अलग है और दर्शकों को कितना एंटरटेन कर पाएगी होम स्टे. I think the first glaring thing that is different is कि ये फिल्म 24 घंटे के अंदर होती है पूरी फिल्म. स्क्रिप्ट बहुत ही अलग है बाकी फिल्मों से, टाइटल भी अलग है, कॉन्सेप्ट भी अलग है. होम स्टे के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं नॉर्थ ऑफ यू नो महाराष्ट्र एनी वेयर. सो आई थिंक एवरी थिंग अबाउट द फिल्म इज़ वेरी यूनिक. फर्स्ट टाइम सियाली एंड मी आर वर्किंग टुगेदर, सो द पेयरिंग इज़ फ्रेश, एवरी थिंग इज़ फ्रेश. इट्स फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर साउथ के हैं, उनकी पहली फिल्म है हिंदी में, उन्होंने साउथ के काफ़ी फिल्में प्रोड्यूस किए. सो लॉट्स ऑफ नॉवल थिंग्स अबाउट दिस फिल्म. ये फिल्म डेफिनेटली एक एक्साइटिंग फिल्म है और दो घंटे आप एक अच्छी एंटरटेनमेंट डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा कहना तो इस फिल्म के बारे में ठीक नहीं होगा लेकिन एक अच्छी सस्पेंस देखने के लिए ज़रूर आइएगा.